जाओ रोते नहीं, याद रखो तुम्हारे कजिन को लाल पसंद नहीं है, इसीलिए इस घर में कुछ भी लाल रंग का नहीं हो सकता और इसीलिए खिलौने भी लाल नहीं हो सकते, तुम समझते हो ना? तो ये लाल सुपरमैन मैं ले जा रहा हूं। सालों बाद भी इसकी सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत नहीं बदली, आज भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जाओ जाओ की आने की खुशी में चलो टोस्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जाओ जाओ, क्या तुम्हें अपने कमरे का अरेंजमेंट अच्छा लगा? हाँ, अच्छा। मुझे याद है बचपन में अपनी सुपरमैन वाली शीट्स के लिए तुम बहुत रोए थे, ये सब उसी की भरपाई है। बचपन की बातें छेड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। बेटा, बचपन से ही तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं था ना, तो जाओ जाओ की आने की खुशी में खुद पर ये जुल्म मत करो, दोबारा मत करना, समझ गए? डैड, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपका असली बेटा कौन है, मुझे गोद लिया था क्या? मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं? अब तुम आ गए हो तो अगले हफ्ते से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अब वक्त आ गया है, अपने कजिन से भी कुछ सीखना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल नहीं, ये सब सही से तो संभाल रहा है, आपको मेरी क्या जरूरत? तो फिर क्या करना है, नई कंपनी शुरू करूं? दरअसल मुझे ना एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां बिना मेहनत के पैसे बन सके, बताओ कर सकते हो ऐसा? मतलब ये कि तुम्हें फेंग शुई वाला टर्टल बनना है। वाह, बढ़िया मजाक था। सरप्राइज, आई मिस यू सो मच। एक और सरदर्द आ गया। अजीब लग रहा है, आखिर इसका लियू से रिश्ता क्या है? कुछ तो अजीब चल रहा है यहाँ पे। लव ट्रायंगल, क्या बात है। सुनो लियू, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी डेट है, तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? दरअसल मैं वो, टियान में एक स्पेशल टैलेंट है, इसीलिए मैंने इसे हायर किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे टैलेंटेड तो यहाँ आप हैं। लियू, इसे अपनी असिस्टेंट से अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे? चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं और मिस्टर लियू तो बस एक साथ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में एक रिलेशनशिप होता है और रात में दूसरा रिलेशनशिप होता है। हद है यार, आखिर ये आदमी चुप क्यों नहीं बैठता? मिस्टर लियू का मतलब है कि दिन के वक्त मैं फैशन डिजाइनर होती हूँ और रात के समय मैं इनकी स्पेशल असिस्टेंट होती हूँ। देखो लियू, टियान कितनी मेहनत करती है, इसे भी तो जल्दी घर जाने का हक है ना। पर ये इसकी जॉब का हिस्सा है जिसका इसे पूरा कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। एक अच्छी खबर है, डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस देखकर हमें शाहजिंग सीरीज टॉय बनाने का काम मिला है, 9 पूंछ वाली फॉक्स। अभी खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि अगले हफ्ते हमें सीरीज की डिजाइन स्कीम सबमिट करनी है, अभी से काम में जुट जाओ। मतलब वीकेंड की छुट्टी भी गई? पहले की तरह पास वाले होटल में कमरे बुक हैं, उम्मीद है आपको सोने का वक्त मिलेगा। अगर घर नहीं जाऊंगा तो मेरा कैक्टस मुरझा जाएगा। फाइनल प्रेजेंटेशन फ्राइडे दोपहर को है, 9 पूंछ वाली फॉक्स मैं बनाऊंगी और बाकी के सारे लोग डिजाइन करेंगे, किसी को कोई शक? कोई शक नहीं। मिस जेंग, इस सीरीज में मैं भी कुछ कर सकती हूँ क्या? मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसर्च करो। शुरू हो जाओ।
डिजाइनिंग का इतना सारा काम बाकी है और इसने यहाँ बुला लिया। मैं मानता हूँ डिजाइनर टॉयज जापान और अमेरिका की देन है, लेकिन चाइना किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ पर शंघाई जिंग के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की भरमार है। ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है, जैसे ये सन वुकोंग चाइनीज माइथोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इस पर बनी अनगिनत फिल्म्स और टीवी शोज ने इसे नौजवान पीढ़ी का एक स्टार बना दिया है, एक यूथ आइकॉन। और इसी तरह के कई कैरेक्टर्स हैं। दिखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब बात बिजनेस की हो तो इसकी सोच बहुत अलग है। क्या बात है, मुझे भी अपने करियर के लिए ऐसे ही लड़ना होगा। आ जाओ मिस जेंग, मैंने वीकेंड में घर पर कुछ स्केच बनाए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें। बढ़िया है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है और एक्सप्रेशंस बिल्कुल असली हैं। तो मैम, अगर मैं भी शाहजिंग सीरीज में कोई डिज़ाइन दे पाऊँ तो कैसा रहेगा? वैसे मैं प्रोडक्ट एनालिसिस भी दे दूंगी, फ्राइडे से पहले सबमिट कर देना। सच में? थैंक यू मिस सिंह, मैं वादा करती हूँ वक्त से पहले दे दूंगी। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। टियांग, मिस्टर लियू कह रहे हैं कि शायद तुम्हारा फोन बंद है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाय टियान। हेलो टियान, टियान, हेलो टियान। सबने अपना अपना प्रपोजल सबमिट किया है, अलग अलग नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी प्रपोजल इतना बढ़िया नहीं है। माफ करना, देर हो गई, मैं कहीं फंस गई थी। अब आ गई हो तो प्रपोजल सबमिट कर सकती हो। वो उसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। बस करो, ये काम है, कोई बच्चों का होमवर्क नहीं है। रोज मिस्टर लियू टियान को बुला लेते हैं, ये पहले ही बिजी है, और ये मीटिंग भी पहले ही रख ली है, शायद इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया। मैं डिजाइनर टॉय पर अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इन हालात को देखते हुए उसे अपने पास ही रहने दो। टियान टियान, तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो नहीं कर सकती तो बेहतर होगा छोड़ दो, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं समझ गई हूँ मिस जेंग, मैं इस पर काम करूंगी। लगता है मिस्टर लियू से फिर से बात करनी पड़ेगी। मिस टियान, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ एक पब्लिक इवेंट में जाना है। मिस्टर लियू, एक मिनट सुनिए। दिन में मुझे बहुत सा डिजाइनिंग का काम करना होता है, तो प्लीज आप दिन में चश्मे से काम चला लीजिए, मैं रात में असिस्टेंट का काम संभाल लूंगी। टियान, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा काम प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से प्रायोरिटाइज नहीं होता। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना? नहीं, ये बात भी कहना सही नहीं होगा, जो इंसान थोड़े से वक्त में ज्यादा काम कर सकता है वो कामयाब होता है। जितना मुझे पता है तुम ज्यादा वक्त डिजाइन डिपार्टमेंट में बिताते हो, वो भी सिर्फ पढ़ाई करने में, सही कहा ना? मिस्टर लियू, आप ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं पढ़ती रहूं ताकि आपका जब मन करे मुझे बुला सके। शियन शैंग ग्रुप की प्रोडक्शन के बारे में जानकारी रखना बहुत सारे डिजाइनर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। लेकिन मैं एक नई डिजाइनर हूँ, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे उस मग की कॉफी, वो इंस्टेंट है, इसका टेस्ट ग्राउंड कॉफी जैसा कैसे हो सकता है? बेशक इसका स्वाद बहुत बेकार है। मिस्टर टैंग, जल्दी से टीम रूम में इंस्टेंट कॉफी की जगह ग्राउंड कॉफी रखवाई जाए। इसकी तो देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपसे बात करना ही बेकार है। बात करना बेकार है, उसके कहने का मतलब मैं बेकार हूं? मैं खुद से कहती रहती हूँ मैंने सही चुना है,
लेकिन ऐसा क्यों लगता है मैं अपने सपने से दूर होती जा रही हूँ? मेरे जैसे महान लोगों की संगत में तुम्हारे सपने भी सच हो जाएंगे। आप जैसे महान लोगों के साथ रहकर जल्द ही मैं शायद सपने देखना ही छोड़ दूंगी। बिल्कुल, मैं इतना अमीर हूं मुझे सपनों की जरूरत ही नहीं। हद है यार, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? अगर ऐसा है तो यही सही। मिस्टर लियो, आप मुझसे एक असिस्टेंट का काम करवा रहे हैं, वो भी डिजाइनर के नाम पे, मतलब शराब के नाम पर पानी। मिस टियान, तुम्हें ही दो कामों के बीच में बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है, एटलीस्ट तुम्हें मुझसे ही कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बाकी है। योर ऑनर, ये मेरे दिमाग पर काबू कर रहा है। मिस टियान, ये सरासर झूठा इल्जाम है। टियान, टियान, प्यार को बेलगाम छोड़ और नफरत को काबू में रख। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आखिर इस पागल बॉस को लाइन पर कैसे लेकर आऊं? मिस टियान, तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया? हाय लियो, तुम्हारे लिए पेंटिंग लाई हूं। हद है, काम के बाद भी मुझे कंट्रोल कर रहा है। टियान, स्पेशल असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सॉरी सर, काम का वक्त खत्म हो चुका है। तुमने कहा था कि काम के बाद तुम असिस्टेंट का काम करोगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऑफिस में डिजाइनिंग कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। SOS, बचाओ मुझे प्लीज। ओ नहीं, वेंचियन! ये क्या था? ये बहुत ही यूनिक आइटम था। मुझे माफ कर दो लियो, इसके बदले मैं तुम्हें अपने डैड की लॉन्ग वन सेलाडॉन वाली बॉटल दे दूंगी। मैं इसे साफ कर देती हूँ। ये तो सिसली पेंटिंग है, इसे यहाँ क्यों लगाया है? वेंशियन, तुम्हारे पापा के पास ये पेंटिंग नहीं है। तुम इधर उधर घूमना बंद करो, आराम से यहाँ बैठ जाओ। और जो पेंटिंग तुम लाई हो ना, उसे मैं खुद सेट कर लूंगा, ठीक है? आखिर तुम आई गई, बस्टर। बस्टर? वो कौन है? तुम हो सिसली पेंटिंग की रक्षक और वेंशियन की भक्षक। मिस्टर लियो, प्लीज अपना वादा एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद टियान दिन के वक्त डिजाइनर है और रात के वक्त प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट। तो अब ये स्पेशल असिस्टेंट घर का भी काम करती है। मिस टियान, सच सच बताओ मुझसे क्या क्या छुपा रही हो? मिस वेन, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या यहाँ कोई भूचाल आया था या किसी का डॉग घुसाया था? नाइस, अब तरीका मिल गया। मिस टियान, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? ठीक है। ये फ्रांस के आर्टिस्ट डुचैम्प की एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। अगर तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ पता होता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती। इसके लिए यही सही जगह है, कम से कम ये यहाँ से गिरकर टूट तो नहीं जाएगी। तुम ना इसे देखो ना लियू, ये इतने बड़े आर्टिस्ट की क्रिएशंस को गलत ऑर्डर में रख रही है। जैसे भी रखे उससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में हर कोई बिल्कुल आजाद है, तो जो भी अच्छा है। मिस टियान, कंटिन्यू करो। ओके।
थोड़ा हटेंगी प्लीज? क्या आप मेरी मदद करना चाहती है? नहीं थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो मेरी पेंटिंग है। परफेक्ट मिस्टर ल्यू। मिस टियान, दरअसल मुझे अपनी पेंटिंग की बहुत फिक्र। मिस ल्यू, ये एक एक्सीडेंट था, मेरा काम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। ओह नो, दरवाजा उस तरफ है। क्यूट है। अभी तक तो मैंने भी इसके माथे पर किस नहीं किया, मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले ये चुड़ैल इसका माथा चूम लेगी। हद हो गई। ये बस एक एक्सीडेंट था, बस एक एक्सीडेंट। कल इससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? सुनो टियान, ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक यू। अनबिलीवेबल। मैं ठीक हूँ। पागल है क्या? हो गया, मुझे चक्कर नहीं आए। ये फूल इतने लाल है क्यों, क्यों लाल है ये फूल इतने? हेलो, जो लाल बेडिंग आपने ऑर्डर की थी वो आधे घंटे में आपके पास पहुंच रही है। ओके, परफेक्ट अरेंजमेंट। मिस्टर टैंग, कल मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कैंसिल कर दो और डॉक्टर ली से अपॉइंटमेंट ले लो जल्द से जल्द। मिस्टर ल्यू, क्या हुआ आपको? क्या एरेक्टोफोबिया बढ़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर तुम्हें डर लगे तो माथे पर केस करना, डर चला जाएगा। एक लड़की का धुंधला चेहरा दिखाई दिया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, माथे पर किस किया, लेकिन
मैंने बहुत कोशिश की पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये कार एक्सीडेंट वाला हादसा था। डरो मत, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो। आज के हिप्नोसिस के सेशन में तुम बिल्कुल शांत है। आज कुछ हुआ था क्या? टियान अचानक से मुझ पर गिर पड़ी थी और फिर मेरा माथा चूम लिया उसने। क्या ये इसीलिए हुआ? मेडिकल साइंस के हिसाब से इस बात में कोई सेंस नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये रेड फोबिया तुम्हारे दिमाग का ही फितूर है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखे तो जिस भी चीज से तुम्हारा ये रेड फोबिया वाला जो प्रॉब्लम है शांत होता हो, उससे तुम्हारे दिमाग की नसें भी खुल सकती हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इसका मतलब रेड फोबिया खत्म हो जाएगा? कह तो नहीं सकते, ऑब्जर्व करना होगा। अगर कुछ कह नहीं सकते तो क्यों ना इस पल में जिए। भला जावजाव इसे कैसे समझ सकता है? ये पेंटिंग सिसली की बेहतरीन पेंटिंग है, ऑक्शन में ली थी। आखिर इसे मुझे अपने कजिन को गिफ्ट में जो देना था। ये गलत बात है, उसकी आदतें मत बिगाड़ो बेटा। अरे चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारा कजिन इतनी महंगी पेंटिंग लेकर आया है। क्या है, सच में मेरे लिए लेकर आया? मुझे तो नहीं लगता कि इसे मेरी परवाह है, क्योंकि अगर होती तो ये ऐसी पेंटिंग नहीं लाता। क्या कहूं, कितना दोगला है ये। हे, ये देने के लिए थैंक यू सो मच। ये पौधा बहुत यूनिक है और तुमसे तो बहुत ज्यादा मिलता है। लगता है चिढ़ा रहा है इसे तो बात।